पहले मैंने कहीं पढ़ा था कि हर शहर कुछ कहता है, ये शहर बहुत कुछ कहता है आप लोगों को। इस शहर की खूबी ये है कि इस शहर में हर चीज़ ऐसी है जो आपको मन मोहित कर देगी, आप उसमें चाहेंगे कि उस जगह पे, उस ब्यूटी में आप डूब जाएं। इतनी खूबसूरत ये जगह है। रात में हम लोग पार्लियामेंट हाउस गए थे। हमने पार्लियामेंट हाउस देखा। पार्लियामेंट हाउस सच में कहें तो जो आपने फ़ोटोज़ में देखा होगा या कभी आपने देखा होगा तो उससे काफ़ी बेहतर लगता है। जब आप रियल देखते हैं उसको, लाइव देखते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत खूबसूरत हैं। वो लाइट हमेशा फोकस करती है उन मॉन्यूमेंट्स की तरफ जो ऊपर हैं। आर्किटेक्चर की अगर बात की जाए तो यूरोपियन आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा से ही बहुत पॉपुलर रहा है। उसकी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए ज़्यादा वो उनका झुकाव रहा है हमेशा कि पुराने आर्किटेक्चर को ज़िंदा रखा जाए। जो मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें आज भी वैसे ही बनाया रखा गया है, उन्हें रिपेयर किया जाता है। बहुत से मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो अभी कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, जिनको अभी अभी बनाया जा रहा है, ताकि लोग जो यहाँ पे रहते हैं, जो बाकी के लोग यहाँ पे हैं, जो टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, तो उनके पास दोनों तरह की चीज़ें हों। वो अब बूढ़ा और पेस्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो हमेशा दानुबे रिवर जो बीच में बहती है उससे ये डिवाइडेड है दो पार्ट में। एक हिस्सा जो है वो बूढ़ा है, दूसरा हिस्सा जो है वो पेस्ट की तरफ जाता है। अब बताया ये जाता है कि मैंने जितने भी लोगों से बात की उन्होंने ये कहा कि जो बूढ़ा है वो बेसिकली वो पुराना हिस्सा है जो यूरोप के कल्चर को, जो यूरोप की पुरानी लाइफस्टाइल को संजो के रखता है, और जो पेस्ट है वो एक नया कंस्ट्रक्टेड एरिया है। बहुत से लोग यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं या जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उनसे भी मिला और उन्होंने भी बताया कि ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे ज़िंदगी ज़्यादातर बहुत खूबसूरत है, लोगों के पास वक्त है समय बिताने का, वो अपने काम से फ्री होते हैं। अक्सर लोग 5 बजे फ्री हो जाते हैं और वो अपना काम करते हैं। एंड शनिवार इतवार को यहाँ पे ज़्यादातर चहल पहल रहती है क्योंकि बहुत से लोग फ्री हो जाते हैं। लोगों के पास अपनी निजी ज़िंदगी के लिए इतना वक्त है कि वो उसे बहुत खुल के इंजॉय करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि यूरोप की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत ऊपर आते हैं, जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत कम पाया जाता है। या आयरनी कहिए या जो भी कहिए, हमारे देश में थोड़ा मुश्किल है लोगों के लिए इतना खुश रह पाना, क्योंकि हमें इतना वक्त नहीं मिलता है। हम अपने काम में होते हैं, हम व्यस्त होते हैं। अगर मैं खुद का ही कहूँ तो मैं 8-9 बजे अपने ऑफिस से फ्री होता हूँ, शनिवार इतवार हमें वक्त मिलता है, तो हम ये सोचते हैं कि रिलैक्स कर। मैं आपको बताऊँ, मैं बहुत से लोगों से मिला, बहुत से लोगों से, जब हम पहले दिन यहाँ पे आए थे तो हमारा इंटरनेट नहीं काम कर रहा था। एंड हमने लोगों से पूछा, रास्ता पूछा, उन्होंने बहुत अच्छे से रास्ता बताया भी। कई लोग इतने मददगार थे कि उन्होंने अपने फ़ोन पे नेविगेशन निकाल के उन्होंने वो स्क्रीनशॉट्स हमें दिए कि आप उन्हें देखें। और उसके भी हम लोग एक पार्क में आए हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा पार्क है। लोग यहाँ पे बैठ के अपना समय बिता रहे हैं क्योंकि आज शनिवार है और ये लोग फ्री हैं। बहुत से लोग यहाँ पे फ्री हो जाते हैं और उनका छुट्टी का दिन होता है। हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग फ्री हो जाते हैं, इस वक्त शनिवार इतवार को छुट्टी रहती है, तो हम लोग टीवी देखते हैं, बैठते हैं घरों में। मैंने बहुत कम लोगों को यहाँ पे टीवी देखते हुए पाया है। ये एक बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे। सो दे वेरी हैप्पी द पीपल दोज हु आर हियर, दे लिव देयर लाइफ दैट दे वांट एंड देयर आर नो हिंड्रेंसेस। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी कि हम जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम मेट्रोज में होते हैं या हम जब कहीं भी ट्रैवल करते हैं, तो मुझे लोगों को स्टॉकिंग करते नहीं पाया, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता है पर्सनली, क्योंकि मेरे बहुत से इंटरनेशनल फ्रेंड्स हैं। कई बार उन्होंने मुझसे सवाल भी किए जब वो मुझसे हिंदुस्तान मिलने आए थे कि लोग हमें यहाँ पे इतना घूरते क्यों हैं। मैं चाहता हूँ उस वीडियो के माध्यम से कि ताकि लोग जो है ये बंद करें, क्योंकि कई बार अनकन्वीनियंट होता है लोगों के लिए, इनकन्वीनियंट होता है कि लोग जो हैं कोई उन्हें घूरे बेवजह, तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैंने ये पाया है कि ये लोग हमेशा फ्री रहते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा मशगूल रहते हैं बजाय दूसरों के, मददगार हैं, खुश हैं, एक खुशनुमा ज़िंदगी जी रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है ज़िंदगी की। अगर आप
जीना चाहते हैं, लाइफ जीना चाहते हैं, बीइंग अ यंगस्टर मुझे ये लगता है कि बहुत ज़रूरी है हम लोगों के लिए कि हम लोग खुश रहें। और ये जो शहर हैं, ये जो देश हैं, ये बहुत छोटे देश हैं और इनकी जनसंख्या बहुत कम है हमारे देश के मुकाबले। तो यहाँ सहूलियतें ज़्यादा हैं लोगों को, बहुत फैसिलिटीज़ हैं, आपको हर गली से निकलने के बाद आपको एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अवेलेबल होता है जिसे आप लेके कहीं भी ट्रैवल करना चाहें आप बहुत आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी परेशानी की वजह नहीं है। और बहुत बहुत खूबसूरत है, मतलब आप जितना इसे देखेंगे उतना आप इस खूबसूरती में डूबे ही रहेंगे, निकलना मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से कहीं जाने का मन करता ही नहीं है, अगर आप इस शहर में हैं तो कहीं ना जाएं। मुझे बहुत खूबसूरत लगा और ये हमारा पहला विज़िट था बुडापेस्ट पे। एंड हम लोग सेंट एंटोन जाने वाले हैं, उसके बाद हम लोग वियना जाएंगे, वियना में ही सेंट एंटोन है, सो हम लोग वहाँ घूमने जाएंगे एंड वहाँ पे हम लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे एंड ऑफ कोर्स वी विल शेयर आवर एक्सपीरियंसेस विद यू, हाउ डिड वी फील अबाउट वियना एंड सेंट एंटोन। इट इज़ सेड दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड वी वुड लव टू बी देयर। एंड आई थिंक दैट ऑल द यूरोपियन कंट्रीज आर वेरी वेरी ब्यूटिफुल एंड दे आर वेरी लवली इन टर्म्स ऑफ लिविंग अराउंड। ये बहुत खूबसूरत है यहाँ का माहौल, यहाँ के लोग, यहाँ की सोच, यहाँ की दिनचर्या, जो जो आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, जैसा आप ज़िंदगी जीना चाहें जी सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप जितने बजे तक घूमना चाहें। हम लोग रात में 1-2 बजे तक घूम रहे थे और मुझे कहीं ऐसा परेशानी नहीं हुई कि कहीं भी ऐसा अनकम्फर्टेबल फील नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ क्यों हैं या कोई हमें परेशान करेगा या ट्रबल करेगा। नोबडी इज़ बॉदर्ड अबाउट योर थिंग्स, एवरीबडी इज़ कंसर्न्ड विद देयर ओन थिंग्स, दे लिव द वे दे वांट एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट। एवरीबडी शुड हैव दिस, इट्स अ पर्सनल लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल, द वे ही वांट्स और शी वांट्स टू लिव दे कुड लिव। क्रूज़ के बारे में आपको बताना चाहूँगा, क्रूज़ बड़े ही खूबसूरत होते हैं, ये 4,000 फॉरेन से शुरू होते हैं इनकी ट्रिप सुबह में और नॉर्मली ये रात के 12 बजे तक होती हैं। क्रूज़ में पार्टीज़ भी होती हैं जहाँ आप जाके पार्टीज़ कर सकते हैं, जिन लोगों को पार्टी करना बहुत पसंद है, मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा ही पसंद है, सो आप पार्टीज़ कर सकते हैं, आप क्रूज़ ले सकते हैं। क्रूज़ 4,000 फॉरेन से शुरू होता है नॉर्मली, अगर आप उसे करें तो ये 1,000 रुपये के आसपास आएगा हिंदुस्तानी करेंसी में, इसे आप अगर देखें तो रुपए के हिसाब से आपको शायद 1,000 रुपये देने पड़े, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता हूँ बिकॉज़ मैं श्योर नहीं हूँ, बट एज मच आई हैव हर्ड और मैंने जितना कैलकुलेट किया है, सो ये हंगेरियन फॉरेन से रुपी में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पर आपके लिए काफ़ी सस्ता होगा यहाँ पर घूमना। अगर आप हिंदुस्तानी किसी क्रूज़ की तुलना में अगर जाना चाहें यहाँ पर कंपेयर करें तो काफ़ी बेहतर है और काफ़ी सस्ता भी है यहाँ पर ट्रैवल करना, यहाँ पर घूमना। हम लोग ट्राम्स में घूमें, मेट्रोज़ में घूमें, एक पास लिया था हमने जो कि हमें 400 रुपए में पड़ा था, दो लोगों का पास हमें पड़ा था 3,300 फॉरेन में, हमने वो पास लिया, वो 24 घंटे का पास अवेलेबल था, हम लोग पूरे दिन रात घूमते रहे ट्राम्स में, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इजी था, नेविगेशन इतना मुश्किल नहीं है बशर्ते आपको ये पता हो कि शहरों के गलियों के नाम क्या हैं, किस जगह आपको जाना है। और अगर आपको ये पता चल जाता है तो आपके लिए यहाँ पे घूमना बहुत मुश्किल नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके लिए स्पेशली एक टूर गाइड अरेंज्ड हो जो आपको घुमाए फिराए, आप अपनी मर्ज़ी से जा सकते हैं और कहीं भी घूम सकते हैं। आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको जगहों के बारे में बता देंगे, जैसे मेरी वाइफ ने भी बताया कि फ्री सिटी टूर्स भी बहुत अच्छे ऑप्शन होते हैं जो आपको ले जाते हैं, वॉकिंग टूर्स होते हैं वो आपको ले जाते हैं और जगह जगह पे आप घूम सकते हो और बार आपको बहुत मज़ा आएगा कि आप लोगों के साथ मिले। बहरहाल हमें तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, हम लोग तो बस यही चाहते हैं कि हम लोग बस यहीं पे रुके रहें, कहीं जाए नहीं, दिन ख़त्म ना हो और हम लोग यहीं पे बैठे रहें। मैं थोड़ा लेट उठता हूँ नॉर्मली सो के, बट बुडापेस्ट आने के बाद मेरी एक आदत में चेंज आया है कि मैं बहुत जल्दी उठ जाता हूँ क्योंकि मुझे घूमने जाने का बहुत मन करता है। आप अपने कमरों में बंद नहीं रह सकते यहाँ पे, बहुत से लोग कई बार जाते हैं किसी कंट्री घूमने के तो कई बार वो अलसा जाते हैं कि आज नहीं हम कल जाएंगे, आप यहाँ खुद को रोक ही नहीं पाएंगे, आप कितने भी थके हों। मैं कल दवा लेके निकला और बहुत मज़ा आया, सो मन नहीं करता है कि आप घर में बैठ जाएँ और एक कमरे में बंद हो जाएँ और अपनी ज़िंदगी जिएँ। यहाँ तो आप जितना शहर को एक्सप्लोर करेंगे उतना कम है, शहर बहुत बड़ा है और घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है,
बुडापेस्ट से बेहतर जगह मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कहीं और मिलेगी, क्योंकि हर गली हर मोड़ पे कुछ आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपको रोक के रख लेगा और अचंभित कर देगा कि ये आखिर है क्या। एग्जैक्टली जो आर्किटेक्चर की जो खूबसूरती है, जो मॉन्यूमेंट्स की खूबसूरती है, वो काफ़ी लाजवाब है।